जी ने मेट्रो दी है तो अखिलेश जी ने भी काफी कुछ दिया है। योगी मोदी का की औलाद है, उनको क्या दर्द मालूम है, औलाद का क्या होता है। कोई विकास ही नहीं किया तो किसको बताएं। सब जितने भी डिपार्टमेंट हैं सारे प्राइवेट ने सेशन में सब लगा। इंद्री एक्सप्रेस यहाँ पर कमालगंज रेलवे स्टेशन पर आ गई है और यात्री है जो लगातार उतर के आ रहे हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या इस आने वाले चुनाव में इनका मूड है। कुछ यात्रियों से हम बात करने का प्रयास करेंगे, आइए हमारे साथ आज आपको। तो हम इस वक्त मौजूद है गालिंद्री एक्सप्रेस में और यहाँ पर हम लोगों से बात करते हैं कि आखिर क्या है इन लोगों की राय, क्या है इनका मूड आगामी चुनाव को लेकर। युवाओं से हम जानते हैं क्योंकि जो आज का युवा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, तो कुछ युवा हमारे साथ में उनसे बात करें। भैया क्या नाम है आपका? राहुल यादव। तो क्या किस जनपद से हैं आप? डिस्ट्रिक्ट कन्नौज। कन्नौज से हैं, तो कन्नौज में क्या लग रहा है, सपा या भाजपा? सपा। सपा ऐसा मतलब हमेशा गढ़ रहा माना जा रहा है और इस वक्त भाजपा ने काफ़ी ज़्यादा कुछ लोग कह रहे हैं विकास कराए हैं, राम मंदिर बनवा दिया है, बहुत से ऐसे मुद्दे भाजपा ने किए हैं, तो क्या लग रहा है इस बार थोड़ा सा हिल खतरे में तो नहीं है? इस बार सपा पूरे 403 सीटों से उभर के आ रही है। 403 सीटों से उभर कर आ रही है, तो मतलब की है भाजपा का कहीं नामो निशान नहीं है। ना बसपा, ना कांग्रेस, ना प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, कोई नहीं। आप भी तो युवा हैं, आप भी उठा करके देखिए। बिल्कुल लग रहा है, लेकिन 403 से 403 पूरा ये कहना बड़ा मतलब एक समझ में नहीं आ रहा। दादा ऊपर बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि आखिर क्या है मूड, चुनावी मूड क्या है। दादा क्या नाम है आपका? ठाकुर अमर सिंह। अच्छा किस जनपद से हैं आप? कन्नौज से। अच्छा आप भी कन्नौज से हैं, तो क्या भैया कह रहे हैं कन्नौज में सपा है क्या है? सपा नहीं है, भाजपा है। सपा नहीं है, भाजपा। भैया विपक्षी मिल गए आपके, बता कह रहे हैं भाजपा है। आने वाले 2 महीने में बता देंगे क्या है। अच्छा आने वाले 2 महीने में आपको बता देंगे, तो बड़ा मामला चित्र। अच्छा ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि भाजपा आएगी? भैया कह रहे सपा ने कर किया है। ऐसा है, देखिए आने वाले टाइम में, अब बता रहे आज के करीब वो 4-5 साल पहले वो पोजीशन थी कि आदमी को घर से निकलना आफत, बहन बेटी को निकलना आफत था। शायद ऐसा होता था कि इतना तगड़ा माहौल है कि आदमी पिटते रहते थे और थाने में FIR करने जाते थे, तो अगर सपा के आदमी चाहते थे FIR होती थी, वरना FIR नहीं होती थी। FIR तो कह सकते हैं कि गुंडागर्दी जो है वो कम हुई है, फुल पावर पे थी। हाँ बेटियां सुरक्षित थी, बिल्कुल सुरक्षित। कहीं भी आप इस टाइम आप चले जाओ, कोई भी आपको आंख दिखाने वाला नहीं है, ना कहीं भी कोई किसी को टच करता है। रात में आप चले जाओ कहीं भी किसी भी जगह। अच्छा ये जो हाथरस कांड हुआ था उस पे क्या? हाथरस पे तो हम अपने इलाके की बात बता रहे हैं भाई। अच्छा इलाकों की बात कर रहे हैं, तो भैया कह रहे हैं कि जो बहन बेटियां थी वो सुरक्षित रही, गुंडा राज था वो थोड़ा सा कम हुआ है। योगी जी की बात आई है यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर। शाहजहांपुर से हैं भैया, तो क्या लगता है शाहजहांपुर में सपा का माहौल है? सपा का माहौल है, शाहजहांपुर में भी सपा का माहौल बता रहे हैं। ऐसा क्यों शाहजहांपुर में सपा का, क्यों भाजपा क्यों नहीं? मैं आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स एंड एक्चुअली मैं अभी अम्बाला से ट्रेवल कर रहा हूं, बट माहौल अभी मोस्टली सपा का ही है। माहौल अभी भी सपा का ही है। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद। अच्छा किस जनपद से हैं आप? कन्नौज। कन्नौज जनपद से, क्या है कन्नौज में? सपा। सपा कन्नौज में, सपा कन्नौज का जो सपा का गढ़ माना जाता है वो अभी भी बरकरार है और लगातार लोगों के जुबान पर समाजवादी पार्टी का जो नाम है वो बना हुआ है। कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं क्योंकि युवाओं का जो बोलबाला है वो ज़्यादा रहा है। भैया युवा हैं आप, एक क्या लगता है आने वाले समय में कौन सरकार बना पाएगा? बसपा। बसपा 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 तो ये बसपा एक प्रकार से कह सकते हैं खोस ही गई थी, बसपा के जो लोग थे वो नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन बसपा जो बहुजन समाजवादी पार्टी है वो हमें देखने को। अच्छा आपकी जो अध्यक्ष है मायावती जी है वो तो बिल्कुल कहीं देखने को मिल ही नहीं रही है, कोई रैलियां वगैरह नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, कैसे बसपा कैसे? अरे बसपा ना भाजपा बता रहे यार। अरे भाजपा बता रहे हैं भैया, बसपा ना भाजपा बता रहे यार। अरे भाजपा बता रहे हैं भैया, भाजपा बता रहे थे, चलिए ठीक है, पहले बसपा पे भाजपा मतलब चलिए होता रहता है। अखिलेश आएंगे और कौन आएगा? अखिलेश आएगा। किस जनपद से हैं? कन्नौज। कन्नौज जनपद से हैं, अखिलेश आएंगे। अच्छा योगी जी क्यों नहीं? अब पता नहीं, सब लोग कह रहे, हम कह रहे हैं सपा का विकास। सपा का विकास तो इसीलिए मतलब कितनी सीटें लग रहा है?
403 325 400 के अंदर इतने कम नहीं बनेगी। अच्छा 325। चलिए चलिए ठीक है, 325 की बात आ रही है। तो लगातार जो समाजवादी पार्टी कन्नौज की अगर बात करें, तो अगर कन्नौज जनपद के जो रहने वाले लोग हैं उनका यही मानना है कि समाजवादी पार्टी जो है वो कुछ हद तक अपनी सरकार बना पाएगी। भाजपा बड़े फरुखाबाद के हैं, तो फरुखाबाद के बड़ी विचित्र समस्या रही थी। फरुखाबाद से भी हम जानते हैं, फरुखाबाद किसकी सरकार? बीजेपी फरुखाबाद। अच्छा बीजेपी के फरुखाबाद में चारों विधायक रहे, सांसद रहे, गंगा एक्सप्रेस पे क्यों नहीं मिला? वो उनकी हेडक है लेकिन सरकार जो है वो भाजपा, वो जनता का हेडक नहीं है, वो जनता की हेडक नहीं है, जनता फिर भी वोट उन्हीं को करेगी और क्या। अच्छा तो क्या कुछ कार्य वगैरह करवाए हैं भाजपा ने विधायकों ने कुछ, मतलब चुना है आपने भारतीय जनता पार्टी को, तो भाजपा के द्वारा कुछ कार्य देखने को मिले? नहीं, हम तो मोदी को वोट देते हैं, मोदी को वोट देते हैं। तो फरुखाबाद से आप तो क्या लगता है, फरुखाबाद भाजपा ही? नहीं भैया, सपा? कुछ नहीं, नो कमेंट्स भैया की, नो कमेंट्स भैया। युवा है, जबकि युवाओं के अंदर एक उत्साह सा रहता है कि आखिर कौन सरकार बना पाएगा, क्या होता है क्या नहीं होता है। और लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं, उनका मूड जान रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? उदयवीर। उदयवीर किस जनपद से हैं आप? कन्नौज। कन्नौज से हैं, तो कन्नौज में किसका बोलबाला है? योगी का। योगी का पीछे सब डिब्बे में चिल्ला रहे थे, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव नहीं, योगी को देंगे, मोदी को देंगे वोट। आप वोट किसे देंगे? अभी क्या बता दें हम। फरुखाबाद में किसका बोलबाला? मोदी का है, कष्ट जरूर हुआ मगर आखिरी में आराम मिलती है। कष्ट क्या हुआ? कष्ट क्या आपने? कुछ नहीं हुआ, आपने कहा कि कष्ट जरूर हुआ लेकिन मगर आराम मिलती बाद में हर चीज में। अब आपसे क्या कहें हम, कष्ट की बात आपने की थी, तो कष्ट आखिर ये जो कष्ट था, ये कष्ट भाजपा से क्या मिला था, ये एक बड़ा सवाल रहेगा आपके द्वारा बताया गया है। दादा कहाँ जा रहे हैं आप? कायमगंज। कायमगंज जा रहे हैं, तो कायमगंज के रहने वाले हैं। अच्छा तो क्या लगता है किसका बोलबाला है, सपा या भाजपा? भाजपा का है। भाजपा। मोहम्मद तालिब खान। किस जनपद से हैं आप? फिरोजाबाद जिले से हैं, तो क्या लगता है फिरोजाबाद में सपा या भाजपा? जी सपा। सपा ऐसा क्यों, मतलब क्या सपा के? इसलिए क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ये सब बेकार है भाजपा, इसलिए। कानपुर से हैं, तो कानपुर में किसका बोलबाला है, सपा या भाजपा? सपा। सपा के उम्मीदवारों ने काफी अच्छे काम किए हैं और वो उम्मीदवारों ने। अच्छा अच्छा, सपा से मतलब वहाँ का कौन उम्मीदवार है जिसने अच्छा काम किया है? नाम तो इतना मुझे क्लियर नहीं मालूम है, लेकिन जो कानपुर में देख रहे हैं सफाई वगैरह से लेके रोडों से काम वगैरह से लेके काफी तरक्की हुई है कानपुर में, काफी तरक्की हुई। लेकिन योगी जी ने तो कानपुर को मेट्रो दे दी। हाँ योगी जी ने मेट्रो दी है, तो अखिलेश जी ने भी काफ़ी कुछ दिया है, ऐसा नहीं कि यूपी या लखनऊ को अखिलेश जी ने कुछ नहीं दिया है। विपिन कुमार। अच्छा किस जनपद से हैं आप? उन्नाव जिला। तो उन्नाव जिले में क्या लग रहा है, सपा या भाजपा? सपा उन्नाव में। सपा मेहमद। अच्छा किस जनपद से हैं? हरदोई जनपद से हैं, तो हरदोई को तो गंगा एक्सप्रेस वे मिल गया, ये बड़ा खुशी का माहौल। जी जी जी, तो किसका बोलबाला है भाई? वोट तो हम अखिलेश को ही देंगे। वोट अखिलेश को देंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि योगी जिसे योग्य मुख्यमंत्री हैं। दादा कुछ कह रहे हैं दादा? हाँ हाँ बेटा, जिसके आगे औलादे नहीं उसको औलाद का दर्द क्या होगा, हमारे तुम्हारे आगे औलादे हम लोग को दर्द है, रड़ुए बैठे हैं तो हिंदुस्तान बर्बाद करे, औलादे ना होती तो क्या होता, औलाद की बात नहीं फैलाया, सुनिए उसी की देन है, लखनऊ से वहाँ तक जो छूटा तब ये योगी मोदी आए, उसके आगे औलादे नहीं थी, योगी मोदी है उसको दर्द क्या मालूम होगा औलाद का कैसे होता है बेटा, हकीमान बताओ। तो अखिलेश यादव परिवारवाद, एक तरह से परिवार चला, परिवारवाद चलाते रहे। हाँ परिवार चाचा आ रहे, देखिए उनके अभी तक फूट पड़ी थी, अब सब एक हो गए, उनने ये कहा कि मैं साथ दूंगा, मगर फिर भी नया लमडा, फिर भी उसने भगवान के दिया हमारे तुम्हारे आगे, तुम भी मेरे आगे औलाद, ये भी औलाद है, सब कुछ है, उन योगी मोदी का आगे औलाद है, उनको क्या दर्द मालूम है औलाद का क्या होता। दादा कुछ कह रहे हैं दादा? क्या योगी जी भी अच्छे व्यक्ति हैं, हम उनकी बुराई नहीं करेंगे, उन्होंने भी शासनकाल ठीक चलाया है, लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है वो योगी से अखिलेश ज्यादा योग्य मुख्यमंत्री हैं। योगी से ज्यादा योगी मुख्यमंत्री हैं। 60,000 तुम्हारे ऐसे पड़े हैं सब पुलिस में भर्ती के लिए, और पूरा भवन सब घेरे पड़े हैं, इतना लगा दिया फोर्स,
पूरा नहीं जाएगा। फरुखाबाद जनपद, तो क्या लगता है फरुखाबाद जनपद में किसका बोलबाला? अभी तो कुछ नहीं बता सकते उसके लिए, अभी कुछ नहीं बता सकते हैं। है ही नहीं फरुखाबाद में, कुछ है ही नहीं, मतलब ये क्या, कुछ है ही नहीं, कोई विकास ही नहीं किया तो किसको बताएं? कोई विकास नहीं किया गया है, लगभग चार विधायक रहे भाजपा के सांसद, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। और बहन जी बैठी हुई है मोबाइल में, थोड़ा सा व्यस्त हैं, उनसे और जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि महिलाओं की जो राय होती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है आने वाले चुनाव में भी महिला समाज। बहन जी, दीदी मैं जानना चाहूँगा कहाँ से आ रही हैं आप? सर अभी तो हम कन्नौज से आ रहे हैं। कन्नौज से आ रहे हैं, कन्नौज की रहने वाली हैं? कन्नौज सौरे ब्लॉक से। अच्छा अच्छा ठीक है, तो क्या लगता है आपको कि अखिलेश यादव की सरकार में आएगी या योगी जी? सरकार तो अभी पता नहीं, वो तो वोटिंग के बाद ही पता चलेगा किसकी आएगी, लेकिन ये सरकार का थोड़ा काम अच्छा नहीं है, मतलब भाजपा का काम अच्छा नहीं है। अच्छा भाजपा मतलब सारा सब जितने भी डिपार्टमेंट हैं सारे प्राइवेट ने सेशन में सब लगा दिए हैं, क्या प्राइवेट करने से क्या देश का डेवलप होगा? काफ़ी भ्रमित लग रही है कि आखिर किसके साथ जाया जाए, क्योंकि भाजपा एक तरफ कार्य अच्छे भी कर रही है लेकिन दूसरी तरफ बुरे भी हैं, कुछ उसमें कमियां भी नजर आ रही हैं जनता को, तो जो मूड है वो पता नहीं है जनता का किस तरफ जाएगा। लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि आखिर उनका मूड क्या है। लोग उनसे बात करते भी है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश चंद है। अच्छा, तो क्या लगता है आगामी चुनाव में सपा का बोलबाला रहेगा या भाजपा का, किसका? वैसे तो भाजपा का सही लग रहा है जितना भी आकलन किया जाए, हालांकि भाजपा सरकार ने रोड बनाने में और भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उनमें बहुत अच्छा किया है, उसके हिसाब से उसको वोट मिलना चाहिए, सरकार बननी चाहिए दोबारा, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन मैं सरकार को एक संदेश देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के तमाम ऐसे एम्प्लाई हैं जो आज उनकी सबसे महत्वपूर्ण मांग है, अगर सरकार उस मांग को सुचारू रूप से चालू कर देती है, पुरानी पेंशन योजना लागू कर देती है, तो निश्चित तौर पर इस राज्य में ही नहीं दोबारा केंद्र में भी सरकार आएगी, ये ऐसा मेरा दावा है, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो पेंशन, जो पेंशन का मुद्दा उठा था वो लगातार पेंशन का मुद्दा अभी भी बरकरार है, तो लगातार जो हमारा सर्वे था वो यहाँ पर जारी रहा और भी जारी रहेगा। फिलहाल अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है सपा भाजपा काटे की टक्कर है, अभी तक अन्य पार्टियां देखने को नहीं मिली हैं। तो अभिषेक गुप्ता के साथ शिवम शुक्ला, वीवीओ लाइव।